हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना वेबसाइट के हर एक एलिमेंट को एक पोजीशनिंग दे सकते हैं यूजिंग सीएसएस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया हुआ है और इस कंटेनर के अंदर हमने 3 बॉक्स लिया हुआ है, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। और अब हम लोग क्या करेंगे, ये बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 को हम लोग पोजीशनिंग करेंगे, ठीक है। और हम लोग अब देखेंगे कैसे पोजीशनिंग करते हैं। तो देखो कि अभी तो यहाँ पर कोई कंटेंट शो नहीं हो रहा है, कोई भी कंटेंट नहीं है, तो अभी कंटेंट कैसे आएगा। कंटेंट तो नहीं, बिकॉज क्यों कंटेंट नहीं शो रहा है, बिकॉज डीप क्लास एक्चुअली ब्लैंक है। तो डीप क्लास ब्लैंक है तो मतलब वहाँ पर कोई कंटेंट नहीं है शो करने के लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डीप क्लास को पहले हम लोग विजिबल करते हैं अपना। तो पहले हम लोग अपना बॉडी को विजिबल करते हैं। तो कैसे अपने बॉडी को विजिबल करेंगे, हम जाते हैं यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस में और हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं अपना HTML कॉमा बॉडी। और बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक हाइट को हाइट दे देते हैं कि यहाँ पर हाइट होगा अपना 100% एंड होगा हमारा विथ होगा 100%, विथ होगा हमारा 100% एंड सपोज एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कि बैकग्राउंड कलर हम लोग देते हैं RGB 16:15:19 हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड देते हैं। तो देखो अभी अपना यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ गया है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर तब आ गया है, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर अपना कंटेनर को विजिबल कर देते हैं। तो चलो तब तक कंटेनर विजिबल कर देते हैं। हम लोग कंटेनर है तो हम लोग कंटेनर क्लास को सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्ट द कंटेनर एंड कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कंटेनर का एक पहले एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कि कंटेनर का बैकग्राउंड कलर सपोज दे देते हैं कि RGB और यहाँ पर कोई ब्राइट कलर यूज करते हैं लाइक 2:26:47 ब्राइट डार्क कलर होंगे, ठीक है। डार्क कलर चलेगा हमारा। और अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर विथ देते हैं, एक विथ देते हैं कि विथ हमारा होगा 80% एंड हमारा हाइट होगा, हाइट भी होगा हमारा 80%। तो विथ 80% एंड हाइट 80%। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं, तो अगर देखो तो हम लोग का आ गया ये वाला कंटेनर। अब हम लोग चाहते हैं कि ये कंटेनर हमारा बीच में रहे, तो अगर इसको बीच में करना है तो एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होता है जिसके थ्रू हम लोग इसको इजीली बीच में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जाते हैं, जाने के बाद हम लोग लेते हैं मार्जिन ऑटो। अगर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि मार्जिन ऑटो तो क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिकली अब देखो कि बीच में आ जाएगा। तो ये बीच में आ गया, तो ओके बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग बॉक्सेस को लेते हैं। तो हम लोग अपना बॉक्सेस को अपना कलर दे देते हैं और एक हाइट और विड्थ प्रोवाइड कर देते हैं। तो सिलेक्ट द बॉक्सेस, तो सिलेक्ट द बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 डॉट बॉक्स 2 एंड माई बॉक्स 3। तो बॉक्स 3 को सिलेक्ट करते हैं, तो बॉक्स 3 को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम लोग एक कलर देते हैं कि कलर दे दो कि बैकग्राउंड कलर, हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं अपना सपोज कि हम लोग 255:56:50 हो गया, कोई कलर दे दिया। और देने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसका एक हम लोग हर एक का हम लोग एक विथ एंड हाइट दे देते हैं कि विथ होगा हमारा 100 पिक्सल एंड हमारा हाइट होगा 100 पिक्सल, हाइट होगा हमारा 100 पिक्सल, ओके फाइन। तो विथ 100 पिक्सल एंड हाइट 100 पिक्सल तो हो गया। इसको अगर तुम रन करोगे तो तुमको दिखाएगा यहाँ पर 3 बॉक्सेस तुम्हारा आ गए हैं, ठीक है। अब तुम आप क्या पर क्या कर सकते हो यहाँ पर, ये 3 बॉक्सेस तो तुमको दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये 3 बॉक्सेस के अंदर हम लोग थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मार्जिन टॉप हम लोग कर देते हैं 100 पिक्सल। तो देखो थोड़ा सा गैप आ जाएगा, ठीक है। तभी हमारा बॉक्स अच्छे से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 बॉक्सेस हमारा दिख रहा है अच्छे से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक बॉक्सेस को सिलेक्ट करते हैं और एक दूसरा कलर प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर दूसरा बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं कि हम लोग का जो दूसरा ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग पहले सेट करते हैं बॉक्स 2 को, तो बॉक्स 2 को सिलेक्ट करना है। और बॉक्स 2 को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उसका एक पोजीशनिंग इसको एक बैकग्राउंड दे रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड जिसको हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकें। तो बैकग्राउंड कलर RGB और यहाँ पर हम लोग क्या बना रहे हैं कि 1
और हम लोग यहाँ पर ध्यान डाल रहे हैं 100 और यहाँ पर डाल रहे हैं 40, तो ये डिपेंड कलर हो जाएगा। और हम लोग उसके बाद बॉक्स 3 को भी सिलेक्ट करेंगे, तो बॉक्स 3 हम लोगों का सिलेक्ट होने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इसका भी एक डिफरेंट बैकग्राउंड कलर दे देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सपोज 248 255 4, तो हमारा प्रोग्राम कलर सिलेक्ट हो गया। तो देखो अभी हम लोगों का 3 बॉक्स है, डिफरेंट 3 बॉक्सेस हम लोगों को दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग का जो क्लास है CSS का, तो पोजिशनिंग को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि हम लोग ये तीनों बॉक्सेस को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में देंगे। फर्स्ट वन इज स्टैटिक पोजिशन, सेकंड वन इज माई एब्सोल्यूट पोजिशन, थर्ड वन इज माई रिलेटिव पोजिशन, फोर्थ वन इज अ फिक्स्ड पोजिशन एंड फिफ्थ वन इज माई स्टिकी पोजिशन। तो ये 5 पोजिशन हम लोगों के पास अवेलेबल है। तो स्टैटिक पोजिशन क्या होता है? स्टैटिक पोजिशन मतलब क्या होता है कि हम लोगों का जो HTML है वो जनरली हम लोग हर एक आइटम को एक जो पोजीशन देते हैं वो हम लोग का स्टैटिक पोजीशन है। दैट मीन ये जो अपना जो ये बॉक्सेस है अभी जो पोजीशन पे खड़ा हुआ है, जैसे पोजीशन पे वो स्टैंडर्ड है, तो वो हम लोग का स्टैटिक पोजीशन है। तो यहाँ पर स्टैटिकली वो हम लोगों का हर एक एलिमेंट हम लोगों का पोजीशनिंग है, ठीक है। अब हम लोगों का तो ये जो ऑटोमेटिक पोजीशनिंग होता है, ऑटो पोजीशनिंग, तो इसको हम लोग स्टैटिक पोजीशनिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट हम लोगों का आता है एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे देखें एब्सोल्यूट पोजीशनिंग कैसे करेंगे। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर यह हर एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और पोजीशन देते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन टॉप हटा देते हैं, तो मार्जिन टॉप नहीं लगेगा। तो हम लोग का बॉक्सेस अभी तो ऐसे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे फिक्स करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर अपना बॉक्स, यहाँ पर अपना बॉक्स 1 को सिलेक्ट करता हूँ, डॉट बॉक्स 1 को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इसका पोजीशन कर देता हूँ एब्सोल्यूट, पोजीशन कर देता हूँ अपना एब्सोल्यूट। तो पोजीशन अगर एब्सोल्यूट हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दे सकता हूँ। कैसे? सपोज मैं एक पोजीशन देता हूँ कि टॉप मैं देता हूँ 50%, टॉप मैं देता हूँ 50% एंड मैं राइट देता हूँ 0, तो राइट देता हूँ मैं 0। तो अगर इसको तुम ऐड करोगे तुमको दिख पाएगा कि यहाँ पर जो रेड बॉक्स है कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया टॉप से 50% नीचे, लेकिन राइट में 0 में, राइट के 0 में। ओके, राइट के एकदम 0, राइट को टच कर रहा है और टॉप में 50%। अब क्या होगा, अब तुम अगर इसको भी पोजीशन दे सकते हो, यहाँ पर तुम पोजीशन दे रहे हो कि पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन तुम दे दो अपना एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट देने के बाद तुम यहाँ पर क्या करो कि यहाँ पर तुम एक पोजीशन दे देते हैं कि मैं देता हूँ कि अपना कि सपोज बॉटम 0, बॉटम 0 एंड लेफ्ट लेफ्ट 0, बॉटम 0 एंड लेफ्ट 0। तो देखो क्या होता है, ये अपना जो ग्रीन है ये बॉक्स यहाँ पर आ गया और येलो बॉक्स ऊपर चला गया। तो इसके तो क्या हो रहा है कि हम लोग हर एक एलिमेंट को अपना जो पूरा विंडो स्क्रीन है, पूरा जो विंडो स्क्रीन है, पूरा विंडो स्क्रीन के अंदर पोजिशनिंग कर पा रहे हैं पूरा विंडो स्क्रीन। अब तुम बोलना चाहते हो कि सर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे आप एक बात करके दिखाइए कि यहाँ पर इसको भी पोजीशन दे देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर मैं पोजीशनिंग, यहाँ पर पोजीशन पे जाता हूँ, पोजीशन पे जाने का पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ और यहाँ पर पोजीशन दे सकता हूँ क्या, ये हम लोग दे सकते हैं कि इसको हम लोग एकदम लेफ्ट जीरो एंड टॉप जीरो। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इसको ही पोजीशन दे दिया। तो देखो तीनों आइटम तीनों पोजीशन पे है। तो यहाँ पर तुम लोगों के पास पैरामीटर है टॉप राइट लेफ्ट बॉटम, तो यहाँ पर तुम इसको यूज़ करते हो, ये एलिमेंट्स को विंडो स्क्रीन के अंदर कोई भी पोजीशन में अरेंज कर सकते हो, जो ये तुम्हारे पास अवेलेबल है। अब तुम क्या कर सकते हो कि एक एक्स्ट्रा स्टेप जाने के लिए तुमको तुम्हारे पास ऑप्शन क्या होगा कि तुम यहाँ पर ये जो डिव्स है, ये जो बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस को तुम अरेंज करना तो चाहते हो लेकिन तुम कंटेनर के अंदर अरेंज करना चाहते हो। ये अभी कंटेनर के बाहर आ रहा है, यहाँ पर बाहर आ रहा है, यहाँ पर बाहर आ रहा है, यहाँ पर तुम कंटेनर के अंदर अरेंज करना चाहते हो, तब तुम क्या करोगे, तो तब तुम क्या करोगे वो तुमको सोचना है। देखो तुमको ये बॉक्सेस को एब्सोल्यूट पोजीशनिंग करना है लेकिन किसके रिलेटिव में, कंटेनर के रिलेटिव में। तो कैसे करोगे, तुमको सिर्फ अपना इसका ये जो एब्सोल्यूट है इसका पेरेंट क्लास के अंदर जाना है। पेरेंट क्लास कौन सा है, पेरेंट कौन सा है, तो ये बॉक्सेस का पेरेंट है अपना कंटेनर, ये डिव कंटेनर है, ये तीनों बॉक्सेस का पेरेंट। तो इसका पेरेंट के ऊपर पास हमको जाना है, तो गो टू योर पेरेंट के अंदर जाना है और हम लोग
इसका पोजीशन से कर देना रिलेटिव। तो मतलब क्या हुआ, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो बॉक्सेस है, ये किसका किसका चाइल्ड है, कंटेनर का चाइल्ड है। तो मतलब अपना पॉइंट अपना ये जो एलिमेंट्स है, ये रिलेटिव टू किसका है, किसका रिलेटिव में वो पोजीशन दे रहा है, वो कंटेनर के रिलेटिव में पोजीशन दे रहा है। तो इसको हम लोग कह रहे हैं रिलेटिव। अगर इसको मैं रिलेटिव कर देता हूँ तो देखो क्या होता है, ये अपना जो एलिमेंट्स है सारे बॉक्स के अंदर आ गए, अपना एलिमेंट सारे बॉक्स के अंदर अरेंज हो गए। ठीक है, अब तुमको तो हम लोग समझ गए कि रिलेटिव में क्या होता है, कि रिलेटिव में हम लोग का जो एब्सोल्यूट एलिमेंट्स होता है वो किसके अंदर, किस बॉक्स के अंदर व किस पोजीशन के अंदर अरेंज होगा, तो वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं रिलेटिव के यूज करते हुए। बहुत ईजी है। अब हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे कि हम लोगों का मन कर रहा है कि यहाँ पर ये वाला जो एलिमेंट है इसको हमको मिडिल पोजीशन पे लाना है। किसका मिडिल पोजीशन पे, कंटेनर के मिडिल पोजीशन पे। अब तुम तो बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, क्या करेंगे सर हम लोग यहाँ से, क्या करेंगे कि यहाँ पर टॉप से 50% लिया है, और आपसे एक एक काम कीजिए सर, आप राइट को हटाइए और यहाँ पर लिख दीजिए कि लेफ्ट से आप लोग 50% ले रहे हैं, कि लेफ्ट से भी 50% ले रहे हैं, लेफ्ट से 50% लीजिए, तो क्या होगा, तो मिडिल पोजीशन पे आ जाए। लेकिन देखो मिडिल पोजीशन तो नहीं हुआ, टॉप से 50% है, लेफ्ट से 50% है, लेकिन मिडिल नहीं है। लेकिन क्यों मिडिल नहीं हुआ, बिकॉज अच्छे से देखना कि ये जो अपना एलिमेंट है, इसका जो ये पॉइंट है, ये तो मिडिल पे है, लेकिन ये पूरा एलिमेंट यहाँ पर आ गया है टॉप से नीचे, मतलब ये वाला एक्सिस के थ्रू मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट के थ्रू मिडिल पॉइंट है, लेकिन यहाँ से हट रहा है, यहाँ से हट रहा है, मतलब लेफ्ट से भी हट रहा है, राइट से टॉप से भी हट रहा है, तो इसको हम लोग मिडिल कैसे बनाएंगे। तो मतलब क्या होगा, हम लोग अगर किसी भी तरह से ये वाला पॉइंट को ये बीच वाले पॉइंट से रिप्लेस कर सके ना, तो हम लोगों का काम हो जाएगा। कैसे करेंगे वो, तो करने के लिए हम लोगों को सिर्फ एक ही लाइन लिखना होता है, कि हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, हम लोग लिखेंगे -50% -50%। तो इसको अगर हम लोग लिख देंगे तो देखो क्या होता है, कि हम लोग इसको सेव करते हैं और इसको रन करो, तो देखो ये एकदम कंटेनर के बीच में आ गया। तो हम लोग इसको यूज करते हुए कोई भी हम लोगों का कोई भी बॉक्स को, कोई भी डिव को हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम बीच पे ला सकते हैं, तो हम लोगों का इजीली हो गया। तो हम लोग समझ गए क्या, कि हम लोगों का कैसे हम लोगों का एब्सोल्यूट होता है, कैसे हम लोगों का रिलेटिव होता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा फिक्स्ड पोजीशन। सो देखो अभी हम समझेंगे कि कैसे हम लोग फिक्स्ड पोजीशनिंग एंड स्टिकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं फिक्स्ड पोजीशन। तो फिक्स्ड पोजीशन में क्या कर सकते हैं हम लोग, कि एक पर्टिकुलर टिप हम लोग एक पोजीशन के अंदर फिक्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो चलो पहले हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग यहाँ पर ये बॉक्स वन के अंदर जाते हैं, और बॉक्स वन का जो पोजीशन है इसको हम लोग कर देते हैं फिक्स्ड। तो अब तुम अगर देखोगे तो तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, एक नॉर्मल जैसा बॉक्स है, लेकिन कब समझ आएगा, जब तुम यहाँ पर आओ और यहाँ पर आने के बाद इसका जो हाइट है, हाइट को करते हो 200%। तो करने के बाद तुमको समझ आएगा, देखो कि तुम जितना भी स्क्रॉल करोगे, ये जो रेड बॉक्स है इसका पोजीशन फिक्स्ड है, इसका पोजीशन एकदम फिक्स्ड होता है, वहाँ पर भी हिलेगा नहीं। तो ये पोजीशन हमारा, ये वाला बॉक्स का पोजीशन हमेशा होगा फिक्स्ड हो जाएगा अपना विंडो के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट पे होगा, विंडो के रेस्पेक्ट पे अपना जो ये वाला बॉक्स है इसका पोजीशन फिक्स्ड हो गया। तो ये होता है हमारा फिक्स्ड, ये होता है हमारा बेसिक फिक्स्ड पोजीशन, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट को फिक्स कर सकते हैं। अब इसके थ्रू हम लोग फिक्स नैप बार और बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं। अब और एक हम लोगों का पोजीशन आता है, वो होता है हमारा पोजीशन स्टिकी, और वो कैसे होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो चलो कि मैं सोच लेता हूँ कि मेरा जो यहाँ पर जो बॉक्स वन है, ये हमारा नॉर्मल स्टैटिक बॉक्स है, सब इसलिए हम लोगों का एक नॉर्मल स्टैटिक बॉक्स है, यहाँ पर हम लोगों का ये स्टैटिक बॉक्स है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टैटिक, बेसिक पोजिशन स्टैटिक। तो हम लोग क्या होगा, तो हम लोग और हम लोगों का जो ये वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स को मैं कर देता हूँ, सब कुछ हटा के मैं देता हूँ कि पोजिशन स्टिक। तो अब देखो, अब तुम अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखो, तो कोई चेंजेस नहीं है, नॉर्मल चीज़ है सर, ये तो स्क्रॉल हो रहा है, ये इसका पोजीशन दिया हुआ एब्सोल्यूट तो यहाँ पर है, और ये सर नॉर्मल ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल से स्टैटिक पोजीशन की तरह ही तो हो रहा है। लेकिन चेंज कब होगा, कि जब तुम यहाँ पर मेंशन करते हो कोई प्रॉपर्टी लाइक टॉप जीरो, तब क्या होता है,
अगर टॉप जीरो में मेंशन कर देता हूँ तो होता है क्या कि इसको अगर हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे कि टॉप जीरो पे जाने के बाद ये फिक्स हो जा रहा है। तो मतलब क्या होता है, ये हम लोगों का एक स्टैटिक पोजीशन एंड एक हम लोगों का फिक्स पोजीशन का कॉम्बिनेशन है कि ये ऐसे तो स्टैटिक पोजिशन पर ही है लेकिन जब वो टॉप जीरो पोजिशन पर जा रहा है तब वो स्टिकी हो रहा है, फिक्स्ड हो रहा है। तो स्टॉप जीरो के जाने के बाद वो फिक्स्ड हो जा रहा है, तो उसके बाद तुम उसको एकदम फिक्स पोजिशन लेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टिकी पोजिशन। तो ये था हम लोगों का पांच पोजिशन। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।